अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज हम बनाएंगे चार आम का चार और हरी मिर्चों का। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम हरी मिर्चें ली हैं, मोटी ये चार वाली। साथ ही 2 किलो मेरे पास ये कच्चे आम हैं, ये देखें। इन्हें मैंने अच्छे से धो के पानी में डिप करके रख दिया है। और 200 ग्राम मैंने यहाँ पे लिया था लहसुन, जिसके मैंने छिलके उतार लिए हैं और ये देखें मैंने ऐसे क्रश कर लिया है ऐसे बारीक बारीक। तो लहसुन है, हरी मिर्चें हैं और आम हैं। और 300 ग्राम मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल। अब हम इसके जो मसाले हैं वो पहले तैयार कर लेते हैं। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिया है मेथी दाना, आप इसकी जगह मेथरे भी ले सकते हैं मोटे वाले, लेकिन ये बारीक वाली मेथी है अचार वाली। इसमें जाएगी सौंफ, ये 4 टेबलस्पून लेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और ये हाजमेदार भी बनाती है अचार को। तो ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इस तरह आपका 3 से 3 किलो अचार जो है बनके तैयार हो जाएगा। इसमें ज़ीरा डालेंगे, ये देखिए 1.5 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, ये भी हाजमेदार भी बनाएगा और बहुत ही फ्लेवरफुल अचार बनता है। ये है राई दाना, इससे अचार जो है ख़राब भी नहीं होता और बड़ी अच्छी सी खटास जो है वो अचार में आ जाती है इसके साथ। तो 4 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है राई दाना। ये है साबुत धनिया, ये आपने लेना है 3 टेबलस्पून। ये सारे मसाले जो हैं आप इनको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें या फिर ड्राई रोस्ट कर लें ताकि इनमें नमी ना रहे। 2 टेबलस्पून मैंने ली है कलौंजी, ये हमने मिक्स नहीं करनी, ये मैं बाद में आपको बताऊँगी मसालों का। ये मसाले हम रख देते हैं साइड पर। अब यहाँ पे जो हमने हरी मिर्चें ली हैं इनको भी हमने खुश्क कर लेना है, यानी कि जो मसाला है वो भी बिल्कुल आपका खुश्क होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। और जो सब्ज़ियाँ आप डाल रहे हो अचार में उनको भी आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है, पहले अच्छे से इनको धो लें और उसके बाद जो पानी हो उसको आपने किसी सूती कपड़े की मदद से अच्छे से ड्राई कर लेना है। और जब हम मिर्चें लेते हैं आपने उसको अच्छे से चेक कर लेना है कोई मिर्च जो है ख़राब ना हो। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये मिर्च ख़राब है इस तरह की कोई मिर्च आपने इसमें नहीं डालनी, इससे आपका अचार जो है फंगस लग जाती है, ख़राब हो जाता है। और जो आम भी आप लेकर आते हैं बाज़ार से, तो जब आप लेकर आते हैं तो उसके अंदर हीट होती है, आप बस सिंपल उसको धो के कट करके अचार में डाल देते हैं, तो उसकी जो गर्मी होती है अंदर घुटली तक जो गर्मी होती है, तो वो ठंडक आपको ज़रूर इसमें पहुँचानी है, यानी कि ठंडे पानी में डाल दें ताकि अचार के जो आम हैं वो अंदर तक ठंडे हो जाएँ। इससे भी अचार में जो है वो फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। तो ये देखें अच्छे से मैंने इनको किचन टॉवल से खुश्क कर लिया है, साफ़ कर लिया है। अब आप इसके ऐसे दो दो पीसेस कर लें और अब हमने इसके स्लाइस कट कर लेने हैं। आप चाहें तो बाज़ार से जो आम के टुकड़े कट करते हैं वो कट कर लें, ये देखें इस तरह के स्लाइस हमने इसके बना लेने हैं। इसके आप चाहें तो चंक्स भी कर सकते हैं, ये हमने पका के अचार बनाना है। और झटपट से जो अचार है ये बनके तैयार हो जाएगा। ये देखें सारे अचार को मैंने फाड़ियाँ कट कर ली हैं उसके स्लाइस, और उसको मैंने थोड़ी देर के लिए पंखे में रख दिया था। घुटलियों पे जो छोटा छोटा गूदा लगा हुआ होता है वो भी आपने हटा लेना है, इससे बहुत ही अच्छा मसाला बन जाता है अचार के अंदर। ये हम मसाले में डाल देंगे। और जो ये हरी मिर्चें हैं इनको मैंने कट लगा लिए हैं इस तरीके से। तो सेम तरीके से रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। अब जो ऑयल है इसे हम पकने के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे। इतनी देर हम इसे पका लेंगे कि ऑयल में से धुआं निकलना शुरू हो जाए, अच्छा सा गर्म हो जाए। ये देखें एक साइड पर मैंने ऑयल रख दिया है और ये मसाले जो मैंने धूप में रख दिए थे ये खुश्क हो गए हैं, इनको हम दरदरा सा पीस लेते हैं। बहुत बारीक नहीं पीसना, हल्का मोटा दरदरा सा दानेदार होना चाहिए मसाला। अब इसमें ये देखें कुटी हुई जो मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च होती है वो मैंने ली है 1 टीस्पून, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए, 1 से 1.5 टीस्पून ये इसमें डाल दें। और कुटी हुई लाल मिर्चें लेनी है फ्लेवर के लिए 2 टेबलस्पून।
हल्दी जाएगी इसके अंदर 2 टीस्पून, ये नमक है 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक, अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने इसमें कलौंजी ली है ये देखें, इसको पीसना नहीं था, ये साबुत ही जाएगी इसके अंदर, अब इसको मिक्स कर लेंगे। पीसने से इसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। अब ढेर सारा जो मसाला बन गया है इससे बहुत ही मज़ेदार मसालेदार जो अचार है ये बन के तैयार होगा। इसी मसाले में से आपने जो मसाला है मिर्चों के अंदर फिल कर देना है। इससे जो मिर्चें हैं बहुत टेस्टी बनती हैं, ये अचार वाली मिर्चें हैं, मोटी मिर्च ही लेनी है आपने, इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता। तो सबसे पहले हमारे घर में जो मिर्चें ही ख़त्म होती हैं, ये इतनी टेस्टी मिर्चें बन के तैयार होंगी जो परांठों के साथ या दाल चावलों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो सारी मिर्चों में हमने इस तरह मसाला भर लेना है, ये देखें। अब ये जो आंबियां हैं इसका मैं आपको छोटी सी एक टिप दूंगी यहाँ पर, ये देखें आंबी के अंदर जो कच्ची गुठली होती है ना, ये तोड़कर आप ये गुठली निकाल लें इसमें से, चाहे तो सारी डाल लें, चाहे तो सिर्फ 2 से 3 जो गुठलियाँ हैं वो आप इस तरह कट करके डालें छोटे पीसेस, तो ये ना कड़वी होती हैं, इसका कोई फ्लेवर नहीं होता। ये है कि 10 दिन के अंदर इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल अचार जैसा ही हो जाएगा। तो जब भी बच्चों के पेट में दर्द हो तो आप इसमें से 1 से 2 टुकड़े निकाल के बच्चों को खिला दें, तो इससे पेट का दर्द भी सही हो जाता है, या आप खुद भी खाना खा रहे हों तो 1 से 2 पीसेस अगर आप इसके भी साथ खा लेंगे तो खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। तो आप इसे ज़ाया ना करें, 2 से 3 जो गुठलियाँ हैं नरम वाली अंदर से इतना कट करके ये इसमें शामिल कर दें गूदे के साथ, और जो बाकी बची हुई गुठलियाँ हैं अगर आप इसको एज इट इज़ ही धूप में रख दें सूखने के लिए, और उसके बाद इसके अंदर से कच्ची जो गुठली है उसको सुखा कर निकाल लें, यानी कि पहले आपने इसके अंदर ही सुखानी है, निकाल कर नहीं सुखानी। जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाए तो उसका पाउडर बना के रख लें। तो छोटे बच्चे जिनका पेट ख़राब रहता है, उनके पेट में दर्द रहता है, उनको दस्त लग जाते हैं, तो ये छोटा सा एक चुटकी जो इसका हिस्सा है पाउडर का वो बच्चों को चटा दें, उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, तो इससे ये है कि बच्चों का जो पेट है वो भी सही हो जाएगा। तो छोटी सी टिप थी ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो देखें ऑयल जो है अच्छे से गर्म कर था, मैंने उसको ठंडा कर लिया एक दफ़ा पकाकर। अब दोबारा से मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और इसमें डाल दिया है लहसुन। सिर्फ 1 मिनट आपने लहसुन को पकाना है, उसको कलर नहीं देना, जस्ट उसको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे मसाला। मसाला डाल के भी आपने मज़ीद इसको 1 मिनट कुक करना है। इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्चें जो मैंने मसाला डाल के बनाई हैं, और ये जो गूदा और जो छोटी आंबी के जो अंदर से गुठली मैंने कट की है वो, इन सब चीज़ों को 1 से 2 मिनट और पका लेंगे हल्की आंच पे। बहुत तेज़ चूल्हा नहीं किया है, मीडियम फ्लेम है, और बस अब इसमें डाल देंगे आंबियां। तो टोटल 5 से 7 मिनट आपने इस अचार को पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। आंबियां डाल के सिर्फ आपने 2 मिनट टाइम देख कर इसको पकाना है। तो 1 मिनट मैंने इसमें जो है लहसुन को पकाया है, 1 से 2 मिनट मसाले को, ऐसे ही 1 से 2 मिनट हरी मिर्चें, और 2 मिनट आपने आंबियों को पका के चूल्हा बंद कर देना है। अब इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दें, ये देखें चूल्हा बिल्कुल ऑफ है इसका। अभी अचार गर्म ही हो तो इसमें आपने डाल देना है सिरका 3 से 4 टेबलस्पून। चूल्हा बंद करके आपने डालना है गरम गरम अचार में और इसे मिक्स कर दें। कितना सिंपल और आसान अचार बनाने का तरीका है। इस तरह ये दूसरे दिन ही आप इसको चाहें तो खा सकते हैं, ये फटाफट से ही गल जाता है। इतना मज़ेदार और टेस्टी अचार बनता है, हफ्तों आओ या आपको इसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा या कोई धूप में नहीं रखना पड़ेगा, और बहुत ही मसालेदार चटपटा सा ये अचार बन के तैयार हुआ है। अब इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसको जार में भर लेना है। अगर आप इसे गरम गरम जार में डाल देंगे तो उसमें भाप जो है वो उसकी वजह से जो नमी आ जाएगी और अचार ख़राब होने का डर होता है। ये देखें इसमें ऑयल अभी है नीचे, आपको लग रहा होगा कि अचार सूखा सूखा है, ऐसा नहीं है। जब आपके 5 से 7 दिन गुजरेंगे तो जो अचार है ये नरम होकर नीचे की तरफ चला जाएगा और जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। तो आप ऐसे मर्तबान ले लें कोई, बिल्कुल खुश्क और साफ़ सुथरे होने चाहिए और अचार भी बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसके अंदर इसको फिल कर दें। तो जैसे 2 किलो आम थे मेरे पास, 1 पाव मैंने हरी मिर्चें ली थी इसके अंदर,
और ऐसे ही तकरीबन एक पाव के करीब उसमें मसाला था, तो 2-2.5 किलो 3 किलो आपका टोटल यानी कि इसका वज़न करेंगे तो ढेर सारा अचार देखें बनके तैयार हो गया है। आप इसे किसी 8 IT डब्बे जो होते हैं इसमें कर सकते हैं, मर्तबान में डाल लें, प्लास्टिक के जो जार हैं इस तरह इसमें कर सकते हैं, और 2-4 दिन इस तरह ही आप इसको फ्रिज से बाहर ही पड़ा रहने दें। तो थोड़े दिनों में ही देखें नरम होगा तो सारा ऑयल ऊपर की तरफ आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख कर महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अर्सा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको अंदर जो ऑयल है वो ज़्यादा बढ़ा लें, इसको डिप कर दें ऑयल के अंदर। तो कितनी सिंपल मज़ेदार चटपटी सी अचार की रेसिपी है, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।